बंगाल में इन लोगों ने क्या किया, बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता, ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या, ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं, ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं। लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई माई का लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। और भाइयों बहनों, ये चुनावी भाषण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया, बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता, ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या, ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं, ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं। लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी,
हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई माई कालाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। और भाइयों बहनों, ये चुनावी भाषण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है।